करते हैं स्मैकडाउन के ऑफर जाने के बाद सारी चीज़ें हमें ब्रे वाइट वर्सेस एलिन नाइट ये ऑफर में स्मैकडाउन के मैच देखने मिला और काफ़ी अच्छा मैच था क्योंकि ब्रे वाइट ऑफर जाने के बाद कुछ अलग ही बन जाते हैं क्योंकि वो अपने नॉर्मल गिमिक में आए थे, नॉर्मल कपड़े में आए थे इस बार। और जो एलिन नाइट की उन्होंने क्या बोलते हैं हालत की एस्टी कैंडो स्टिक आ रही है, क्या बोलते हैं टेबल्स आ रहे हैं, चेयर्स आ रहे हैं, इन दोनों का काफ़ी बड़ा मैच था लेकिन ब्रे वाइट ने फिर भी यहाँ पर विक्ट्री हासिल की। रोमन रेंस का हमें न्यू टी शर्ट देखने को मिला स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन इस टी शर्ट की आपने डिटेल नोटिस की यहाँ पर सिर्फ रोमन रेंस है, पॉल हेमन है या फिर कोई भी ब्लड लाइन का या फिर कोई भी मेंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा। और यह अभी के लिए रोमन रेंस की करंट सिचुएशन बता रहा है कि उनके साथ अभी के लिए कोई नहीं है, सब अकेले सिवाय पॉल हेमन के। रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन है और एक क्लियर इंडिकेशन है कि रसल मेनिया तक जाने तक पूरी ब्लड लाइन खाली होने वाली है, सिर्फ अकेले रोमन रेंस और पॉल हेमन ही बचने वाले हैं। बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, इस मैच का ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है एलिमिनेशन चेंबर के लिए और पोस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा खासा है क्योंकि मेन हाईलाइट अट्रैक्शन सैमी ज़ेन है और यहाँ पर रोमन रेंस और हमें सैमी ज़ेन का पोस्टर भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ा ये मैच होगा है क्या बोलते हैं कैनेडा मॉन्ट्रियल में हासिल की। लेकिन ऑफर में और एक मैच हुआ ब्लड लाइन वर्सेज टीम ओसी इंडियन अल्ट्रा से होते हैं, उनका भी अच्छा खासा मैच देखने को मिला, यहाँ पर भी ब्लड लाइन को ही विक्ट्री मिली। एंडिंग में सुमोवन स्ट्राइक लगा के सोलो सिकोवा ने टीम ओसी को पिन करके मैच जीत लिया। बात करते हैं